मैम वन सेकंड Always in awe of his Papan. What can you say? Thank you, Papa, for this soul stirring. Alright, the second song is going to be actually sung by. He said, what the hell? She was going to sing a song for us in the film, so he said, I might as well give her a room. We don't get three singles nowadays. Exactly. So, that's how she ended up. But, This song is about is a very positive song in the film, where you see a clear change of this in Lakshmi in the film, who is now on the verge of who's decided that now it's time to go back home. Enough is enough. I'm going to. She sees hope, and the audience for the first time in the film sees hope for Lakshmi. And then Monali Thakur come up on stage. गला बैठा भी है भाई चल नागेश कुकनूर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा सॉरी नागेश कुकनूर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते रहते हैं जो मतलब जो कमर्शियली जो चलता है उसके अगेंस्ट नया हमेशा एक नया थीम नया कॉन्सेप्ट और एक मैसेज के साथ बनाते हैं और ये जो फिल्म है जिसका ट्रेलर ये ट्रेलर अगर आप देख के अगर आपको लगे कि ये फिल्म नहीं देखना चाहिए तो समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग विद यू मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि ये देखें और बोले कि मुझे ये फिल्म नहीं देखने का मन कर रहा इट्स सच पावरफुल ट्रेलर मैं ये चाहूँगा कि देश का हर नागरिक ये ट्रेलर देखें क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिल्म है इसका संगीत दिया है व्हाट्स हिज नेम तपस रेलिया ने दिया है और मेरे बहुत करीब दोस्त मनोज यादव उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं बहुत ही अच्छे यहाँ इसके परफॉर्मेंसेस हैं बहुत अच्छे शब्द हैं बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं जहाँ पर आजकल के जमाने के आइटम सॉन्ग्स ही चलता है ऐसे बोले बहुत मधुर संगीत है बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखा गया है और ऐसे संगीत पे विश्वास करने के लिए एक नागेश कुकनूर जैसे डायरेक्टर चाहिए जो ऐसे रिस्क ले सकता है एंड ही कैन मेक अ स्टेटमेंट I request each one of you to please go and see this film because this film is definitely going to win all the awards next year for sure. अगर आप इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं तो कहीं से लग रहा है ऐसा मलाल लग रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं नागेश कुकनूर के फैमिली का हिस्सा हूँ पहले उनके पहली फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये म्यूजिक लॉन्च करने का मौका मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ऑलरेडी मैं हिस्सा हो चुका हूँ लेकिन अगर आपने गाना गाया होता था और कुछ मेरा उनके साथ रॉकफोर्ड में गाना था आसमां के बारिश शायद और कोई आसमां होगा हो मैं हवा के परों पे कहां जा रहा हूँ कहां सर क्रिसमस आ रही क्या प्लान कुछ विशिंग एवरीबॉडी अ मेरी क्रिसमस बस मिलेंगे नहीं आपको क्या लगता है मुझे क्या ये मूवी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी पर बनाई गई है सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल रिक्वेस्ट प्लीज वॉच दिस फिल्म बहुत ज़रूरी है हमें थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है सो आई एंड वी हैव वर्क रियली हार्ड ऑन दिस फिल्म लाइक एवरीबडी डज बट सो उस साइड से भी बोल रही हूँ कि एज इट्स माई डेबी फिल्म प्लीज डू वॉच बट अदरवाइज एज अ सिटीजन आई एम सेइंग प्लीज डू वॉच इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड लेकिन जब फर्स्ट टाइम कहा गया आपको ये फिल्म ये कट है फिल्म का तब आपका रिएक्शन क्या था मैं माई फर्स्ट फिल्म वॉज बींग ऑफर्ड बाई नागेश कुकनूर तो मैं उसी में आई वॉज इन अ शॉक आई मीन आई वॉज इन अ हैप्पी शॉक एंड देन उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये स्टोरी ऐसी है आई वॉज रियली थ्रिल्ड एंड सो प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ मूवी एंड सच अ स्टोरी सो बहुत बहुत खुश थी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी सुन तो थी पहले आप एक्टिंग भी करी लेकिन गाने भी आपने गा लिया फिल्म में ये क्या आपने कहा था नागेश जैसे कि मैं सिंगर भी मुझे गाना भी चाहिए नहीं मैंने नहीं कहा था नागेश सर के सर मैं गाना गाती हूँ मुझे गाना गवाओ बट ही इज़ बीन रियली काइंड एंड ही थॉट कि ये गाना शायद
दे कैन ट्राई विथ मी. सो मैंने एक्चुअली गाना ट्राई किया था जैसे होता है, तो स्क्रैच गाया था मैंने, उसके बाद उनको पसंद आया, उसके बाद उन्हें गाना रखा. सो इट्स नॉट दैट आई हैव सेड कि नहीं मुझे गाना गाना है. तो आपका फेवरेट सॉन्ग यही आपका वाला है कोई और है? हाँ, आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप वाला ही है कोई और सॉन्ग? नहीं, मेरा फेवरेट गाना इन द एल्बम इज सुगना, जो अंकिता और सुचिश्मिता ने गाया है. तो ब्यूटीफुल सॉन्ग, जब भी मैं सुनती हूँ मैं रोती हूँ. जो डायलॉग फिल्म में नजर आ रहे हैं, डायलॉग फिल्म के लिए ठीक है ये लग रहा है आपको? ये सब जो डायलॉग दिए है कि ये लगा लो आराम से उठाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, इट्स बेस्ड इन दैट वर्ल्ड. तो वो लोग इसी तरीके की बात करेंगे, आई मीन और तो क्या बात कर सकते हैं. सत्संग तो करेंगे नहीं, यू नो, ना बैठ कर कहें. इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू डिस्कस अ कुकरी शो और समथिंग लाइक दैट और पॉलिटिक्स. इन्हीं लोगों की कहानी है, तो वहाँ पर इसी तरह बात होती है, तो इसी तरह बात करेंगे. तो आपने रिसर्च वगैरह किया था इस फिल्म के लिए कि हाँ इस तरह की बात करते हैं? नागेश ने रिसर्च की थी ऑब्वियसली, उन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री, इन लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है. हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट थी जब उन्होंने शुरू की, तो इट वॉज ऑल इन द स्क्रिप्ट. ऑफकोर्स उसको बोलना और कितनी आसानी से बोलना वो हम पर था एज एक्टर्स, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट. कभी ऐसे रोल्स किए नहीं है तो ऑब्वियसली ना ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है तो डिफ़िकल्ट है. बट अगर कैरेक्टर के हिसाब से सोचो तो बिल्कुल सही है, इसी तरह वो बात करेंगे और तो क्या करेंगे. संगीत की बात करें तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सुन सकुना. Yeah, I love it. Perfect choice. बहुत खूबसूरत. और नागेश जी भी एक्टिंग कर रहे हैं फिल्म में, उनके बारे में क्या कहेंगे? He's terrific. Terrific. मतलब ऑनेस्टली जब पहले पता चला कि नागेश चिन्ना का रोल करने वाले हैं तो दिमाग में बैठा नहीं कि अलग है ना, बहुत अलग है नागेश. और एक्चुअली जब आप देखो आप फिल्म तो ही इज टेरिफिक. कितने मार्क देंगे आप? डायरेक्शन की बात करें या एक्टिंग की बात करें तो कितने मार्क देंगे आप? हाय, इट्स अनफेयर. मैं क्या मार्क्स दूंगी उनको? 10 on 10. 10 on 10, यस. एज एन एक्टर 8 on 10, एज अ डायरेक्टर 9 on 10, 10 on 10. And you wonder? मैं कौन हूँ? तो मेरा my first picture, मैं किसको क्या मार्क्स दूँ? मुझे सब मार्क्स देंगे. I'm terrified. I cannot say that. I cannot answer that. Thank you. Okay. Thank you. बस ना? बस. हाँ जी. नागेश सर, बाकी संगीत एकदम कमाल का संगीत है ये. So कैसे glad. आप लोगों ने ये कैसे गाने सुने, कैसे क्या हुआ, आप इस गानों के बारे में बात करेंगे? वेल, ये एक फिल्म के तौर पे बहुत ही स्पेशल है. और हमारा अप्रोच ये था, तपस और मेरा, कि म्यूज़िक को कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट जो नॉर्मली जो बाउंड्रीज होते हैं उसके बारे में सोचते नहीं, एंड लेट्स डू वॉट एवर वी वॉन्ट. एंड जिस तरह से तपस ने म्यूज़िक कंपोज किया, आई थिंक वी कम्प्लीटली जस्टिफाइड द फिल्म. मेलोडीज़ हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मेलोडीज़ हैं. इट्स अ मिक्स ऑफ फ्यूजन, क्लासिकल, सब कुछ. एंड इट्स समथिंग वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ. फिल्म में गाने नहीं रहते मगर वो ऐसे गाने देते जो नेशनल एंथम्स बन जाते हैं, जैसे कि आशा आय का था, जैसे कि ये हौसला डोर का था. तो उनके जो गाने की चॉइस है वो बहुत ही, उनकी म्यूजिक की चॉइस बहुत ही शानदार है और बहुत ही मजबूत है.